कहता है कि प्यार जब परवान चढ़ता है तो हर एक सामाजिक पारिवारिक और रिश्ते नाते भूल कर एक दूसरे को हाथ थाम कर जमाने से टकराने की हिम्मत आ जाती है। जात पात अमीरी गरीबी उम्र से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्यार बस हो जाता है तो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाता है। ऐसा ही एक मामला हरलाखी प्रखंड क्षेत्र से सामने आया है, जहां प्रखंड क्षेत्र के फुलहर बाग तराक पुष वाटिका में पहली बार प्रेम विवाह शादी हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों प्रेमी और प्रेमिका नेपाल के रहने वाले हैं। वही प्रेमी जोड़े से पूछने पर उन दोनों ने बताया कि हम दोनों के बीच करीब 3 साल से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। जब ये बात हमारे घर वाले को पता चला तो हम लोग बोले अपने अपने घर वाले को कि हम दोनों को शादी करवा दीजिए, लेकिन हमारे दोनों आदमी का परिवार इस बात से नाखुश गुजर रहे थे। इसीलिए हम दोनों आज यहाँ पर अपने मर्जी से फुलहर पुष वाटिका में भागकर शादी किए हैं। जानकारी हो कि जहाँ पर सीताराम जानकी का प्रथम मिलन स्थल है, उसी जगह पर दोनों प्रेमी और प्रेमिका ने शादी रचाई है। हालांकि यह शादी की चर्चा पूरे इलाके में अब चर्चा के विषय बना हुआ है। वहीं मंदिर के पुजारी बिहारी पांडे ने बताया कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इन दोनों का शादी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अब दोनों पति पत्नी के प्रेम बंधन में बंध गए हैं। हालांकि यह शादी की चर्चा पूरे गांव से लेकर पूरे प्रखंड में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि शादी देखने के लिए स्थानीय लोगों की काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुआ था। प्रभु श्री सीताराम प्रथम मिलन स्थल पे आदर्श शादी होने जा रहा है, जिसमें समिति और ग्रामीणों के सहयोग से आदर्श शादी करवाया जा रहा है। सिंदूर लगे सिंदूर दान वीडियो लिया भी है ना क्या चुटकी में जाए राती सब हम जाते हैं।